ग्यारहवीं हदीस करेंगे, अस्सलातु नमाज इमादु सतून दीनी दीन, नमाज दीन का सतून है। वमन अकमाहा, जिसने इसे कायम किया, फ़कद उसने गोया अकमत दीना दीन को कायम किया। वमन हादा माहा, और जिसने इसे ढा दिया, फ़कद हादमत दीना, और उसने गोया दीन को ढा दिया। तर्जमा, नमाज दीन का स्तून है, जिसने इसे कायम किया उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने इसे ढा दिया गोया उसने दीन को ढा दिया। तशरीह करेंगे, हदीस में नमाज दीन का स्तून कहा गया है। तो स्तून क्या है? कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज दीन के बुनियादी अरकान हैं। अरकान का वाहिद रुकन है, और रुकन के मायनी स्तून है। अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादें या सतून हैं जिन पर इस्लाम और इस्लामी ज़िंदगी की इमारत खड़ी है। जिस तरह एक इमारत सतून के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह दीन की इमारत भी नमाज के बगैर कायम नहीं रह सकती। नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है। नमाज के मायने जान लेते हैं। किसी की तरफ रुख करना, भरना, दुआ करना और करीब होना। मुख्तसरन, नमाज पूरी तवज्जा, यकसुई और अदब एहतराम से अल्लाह पाक को याद करने का नाम है। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तिहान का मौका आता है। मौज़ा उसे नमाज और फलाह की तरफ बुलाता है। अगर वह इस पुकार पर लब्बैक कहता है तो गोया वो अपने ईमान की सदाकत की गवाही देता है। नमाज की फर्जियत, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज की गई है। अल्लाह की मदद का हसूल, कुरान मजीद की आयत सूरतुल बकरा की आयत 153 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मोमिनों सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। नमाज की ताकीद, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, नमाज कायम करो और मुशरिक ना बनो। अहले जन्नत का सवाल अहले जहन्नम से, सूरत मुदस्सिर में है कि अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछेंगे, मा सलाकाकुम फ़ी सकारा, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला? वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीना, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज दीन का स्तून है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली है। क़्यामत के रोज़ पहला सवाल, नमाज के बारे में होगा। इस हदीस मुबारक के मुताबिक नमाज को दीन का स्तून करार दिया गया है। अगर हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो गोया हमने अपना दीन खो दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।